साथियों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में बहुत बढ़िया विषय लेकर आया हूं। आज के जमाने में दोस्तों एक दूसरे की टांग खींचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं। हमारे गांव के पास खरड़ गांव है, जिला हिसार। वहां पर डॉक्टर सुमित जी स्वास्तिक क्लिनिक चला रहे हैं और डॉक्टर साहब की जो सोच है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे गांव के अपने पड़ोस के बच्चे को छोटी सी उम्र में एक डॉक्टर बना दिया, जो आपको दिखाई दे रही हैं, रोबिन भानकोर। ये मदरलेस है, इनके माताजी नहीं है, दादी जी इनका पालन पोषण करती है। घर से बिल्कुल नाजुक हालात हैं, तो डॉक्टर सुमित ने इन्हें अपने क्लिनिक पर रखकर इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज दी और बच्चे का भी टैलेंट बहुत बढ़िया है। मात्र 5वीं पास है ये और बहुत सारे दवाइयों के बारे में जानता है। यानी कि ये कह सकता हूं कि मैं एक बड़े डॉक्टर के पास भी कंपाउंडर का काम ये कर सकते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि आपसे भी मिलवाना चाहूंगा। एक बार नमस्कार करो सभी दर्शकों को। नमस्कार। तो रोबिन, कितने समय से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? 10 महीने से। 10 महीने से। बहुत अच्छा। तो आपको सुमित, डॉक्टर सुमित लेकर आए, तो आपको कैसे लगता है डॉक्टर सुमित के से काम सीखकर? क्या फील करते हो? आपको खुशी है या आप ये सोच रहे हो कि वैसे पकड़ के जबरदस्ती हो रही है हमारी? खुशी खुशी है। है। कुछ दवाइयों के नाम याद है? आप ये बताएं कि अगर मलेरिया है तो उसको कौन सी टेबलेट आप दोगे मलेरिया में? ऐसे को उसे नंबर और मान लिया खांसी है, पास करो। ऊंचा बोलो थोड़े से। गैस के लिए, पेट गैस, पेट में अगर गैस बनती है तो क्या नाम है इस दवाई का? एंटासिड। एंटासिड। इंजेक्शन भी लगाना आता है? इंजेक्शन नहीं लगा अभी, मतलब आप दवाइयों के नाम याद कर रहे हैं। पेट दर्द हो किसी को तो आप क्या दोगे उसको? मिल्स पास पेंडिया ओप्रोग्रेसो और डेक्जिलेट। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक बिल्कुल गरीब घर से, और इन्हें घर पर भी काम करना पड़ता है क्योंकि माँ नहीं है, और स्कूल में भी स्कूल का काम भी होता है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर साहब के पास आकर इतना कुछ सीख रहे हैं। सोचिए ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओ, शेयर इसलिए करनी है कि जो दूसरे बच्चे देखें, जो ये एक्सक्यूज कर देते हैं कि मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों व्यक्ति चाहे तो किसी भी हालत में सफलता हासिल कर सकता है। मैं इस बच्चे के बारे में आपको लिख कर दे सकता हूं कि एक दिन ये बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, यहां तक कि कहता हूं मैं रिसर्च भी करेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो जिज्ञासा रखते हैं सीखने की, वो आगे चलकर बहुत बड़ा इतिहास रचते हैं। तो आपने ये वीडियो इसलिए शेयर करनी है ताकि दूसरा कोई बच्चा देखे, दूसरा कोई बड़ा भी देखे, उसके पड़ोस में कोई टैलेंटेड बच्चा उसे देखे तो उसके दिमाग में भी कुछ अच्छा करने की आए। तो मैं डॉक्टर सुमित
जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि वो साथ में इस गरीब बच्चे को कामयाब करने के लिए मेहनत कर रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को इस बच्चे के लिए, इसके हौसला बढ़ाने के लिए और दूसरे बच्चों में मोटिवेशन पैदा करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जिस पेज पर या इस वीडियो को जिस चैनल पर सुन रहे हैं उसे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आगे भी हम इस बच्चे से मिलते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि आपने आगे क्या सीखा। आज मैंने कुछ बातें सीखी है, कुछ दिन बाद मैं फिर इसमें देखूंगा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों।